जन्मोत्सव के तहत शहर में श्री पोधारेश्वर राम मंदिर नागपुर द्वारा भव्य श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा आगामी गुरुवार को निकाली जाएगी, जहां कलश यात्रा सहित कई तरह के भक्तिमय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा को और अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के लिए श्री पोधारेश्वर राम मंदिर की ओर से धर्म प्रेमियों और विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के प्रतिनिधियों पत्र परिषद का आयोजन किया गया, जहां बताया गया कि 30 मार्च श्री राम नवमी एवं ऐतिहासिक श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा का 3 साल के अंतराल के बाद धूमधाम से आयोजन होगा। भव्य कलश यात्रा के साथ ही शोभा यात्रा में भगवान के रथ से विभिन्न सज्जनों द्वारा प्रायोजित धार्मिक सामग्री का वितरण होगा। जो 57वां वर्ष है शोभा यात्रा का और मंदिर का शताब्दी वर्ष, 57वें वर्ष में जो रथ है वो गजरथ है, इसमें गणेश जी भी विराजित रहेंगे और भगवान की जो मुख्य मूर्ति है मंदिर में उसकी प्रतिकृति भी सबसे सामने है और करीबन 85 झांकियां हैं इस वर्ष। करीबन 30,000 मार्ग व्यवस्था के कार्यकर्ता मार्ग को सुगम करते हुए चलेंगे, उनको स्थायी कार्यकर्ता रहते हैं और 3 वर्ष के अंतराल के बाद में ये शोभा यात्रा निकल रही है तो लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है और ऐसा अंदाज है कि 9 से 10 लाख लोग इस शोभा यात्रा को देखें। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अक्षंसारी BCN न्यूज नागपुर।